एसिडिटी होना यूं तो एक आम समस्या होती है, लेकिन शरीर में काफी तरह की समस्याओं को पैदा कर देती है। हम कई बार बहुत सारी बीमारियों को मामूली समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं। एसिडिटी होने के बाद आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होता है और किस तरह घरेलू उपायों से बिना कोई पैसे खर्च किए आप एसिडिटी से मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं। कई बार हमारे सीने में जलन होने लगती है, तो सीने में जलन होना, मुंह में खट्टी पानी का आना एसिडिटी के ही लक्षण होते हैं। अगर आपको ये तकलीफ बार बार होती है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। एसिडिटी ज्यादातर रात के सोते समय होती है। हमें कई बार लगता है कि डकार के साथ खाना मुंह में आ जाएगा। कई बार एसिड भोजन नली से सांस की नली में भी पहुंच जाता है, जिससे कि मरीज को दमा या फिर खांसी की तकलीफ हो सकती है। कभी कभी मुंह में खट्टे पानी के साथ खून भी आ सकता है। अधिकतर लोग समझते हैं कि एसिडिटी खाना न खाने से बनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्य तौर पर रोटी सब्जी दूध और फल खाने से एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। ये समस्या तब होती है जब आप अधिक मात्रा में कुछ खा लेते हैं या फिर गरिष्ठ या तला भुना भोजन करते हैं। मोटापा कम करने के चक्कर में खाली पेट रहने से भी एसिडिटी की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा एक लंबे गैप के बाद खाना या फिर अधिक मात्रा में चाय, धूम्रपान और शराब का सेवन करना एसिडिटी के मुख्य कारण होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे चुटकियों में एसिडिटी का इलाज कर सकते हैं। आपको बता दें कि तुलसी एक हर्बल औषधि होती है जो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तुलसी की पत्तियों में सुखदायक वायुनाशक और वात हरने वाले गुण होते हैं, जो एसिडिटी और पेट की गैस की समस्या से तुरंत राहत देते हैं। जब भी आपको हमारे द्वारा बताए गए एसिडिटी के लक्षण दिखे तो तुरंत कुछ पत्तियों को चबाकर खा लें। इसके अलावा आप एक कप पानी को उबालकर उसमें तुलसी की 4-5 पत्तियां डाल लें और ठंडा होने के बाद इसका इस्तेमाल करें। आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार शहद को भी मिलाकर पी सकते हैं। यूं तो भारतीय खाने में लौंग का एक अलग ही स्थान होता है। ये जितना खाने का स्वाद बढ़ाने में काम आता है, उतना ही बीमारियों को ठीक करने में भी काम आता है। सर्दी लगने पर या फिर कोई बीमारी होने पर जैसे इसका बना काढ़ा काम आता है, वैसे ही एसिडिटी में भी लौंग बहुत ही आरामदायक होता है। इसमें आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के कई गुण शामिल होते हैं। लौंग पाचन के दौरान बनने वाले एसिड से आपको बचाता है। आप अपने खाने में लौंग को डाल सकते हैं, जिससे आपको एसिडिटी नहीं हो सकती है। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो नेचुरल एटेंसिड के रूप में काम करता है। एसिडिटी को खत्म करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इनके अलावा आप एलोवेरा जेल के भी 4 चम्मच पी सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय को आप अपनाकर एसिडिटी की समस्या से चुटकियों में तुरंत राहत पा सकते हैं। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से विनीत राय की रिपोर्ट।